दिल्ली से देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण हो जाने के बाद दोनों शहरों के बीच का सफर बहुत आसान हो जाएगा। न केवल दोनों शहरों के बीच की दूरी कम होगी बल्कि समय भी कम लगेगा। महज ढाई घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच सकेंगे। आपको बता दें, दिल्ली और देहरादून के बीच अभी 235 किलोमीटर की दूरी है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की और दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किया कि प्रदूषण के बीच स्कूल क्यों खोले गए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जब आप अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू कर रहे हैं तो फिर स्कूल जाने के लिए मंजूरी क्यों। दिल्ली सरकार ने जनता को राहत देते हुए पेट्रोल के दाम कम कर दिए। इसके बाद एक लीटर पेट्रोल 8 रुपये सस्ता हुआ। वहीं नए रेट के मुताबिक पेट्रोल का दाम 95.41 रुपये प्रति लीटर है। वहीं डीजल 86 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को पूरे दिन बादल छाए रहे। इसकी वजह से दिन के तापमान में बड़ी गिरावट आई। बुधवार इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। हालांकि सुबह शाम की ठंडक से कुछ राहत मिल गई। अब अगले 6 से 7 दिनों तक तापमान सुधरने की कोई संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री का इजाफा हो सकता है। दिल्ली के गोकुलपुरी में घर के बाहर एक लड़का कॉल नहीं करने को लेकर लड़की से झगड़ा कर रहा था। लड़की की मां बीच बचाकर बेटी को घर ले जाने लगी। तभी आरोपी लड़के ने रास्ता रोक लिया और मां के विरोध करने पर भारी कड़ा पहने हाथ से मां के माथे पर वार किया।